दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भारतीय रेलवे से जुड़ी एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूँ जिसे जानकर के दोस्तों आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे हमेशा कोई ना कोई नया अपडेट लेकर के आता रहता है, लेकिन दोस्तों इस बार जो भारतीय रेलवे अपडेट लेकर के आया है उसे जानकर के आपको काफ़ी खुशी होगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब भारतीय रेलवे, अगर आपके घर में मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं और आपके घर में उसी टाइम पर किसी वजह से चोरी हो जाती है, तो दोस्तों भारतीय रेलवे आपको इंश्योरेंस देगा, यानी कि 1,00,000 रुपए आपको चोरी के बदले देगा। ऐसा दोस्तों भारतीय रेलवे ने खुद कहा है, ये हम लोग अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं बल्कि भारतीय रेलवे के जो मैनेजर हैं उन्होंने खुद कहा है। तो दोस्तों ये पूरी खबर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भारतीय रेलवे से जुड़ी हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर के आते हैं जो आपको शायद और कहीं ना मिल पाए। तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय रेलवे में कौन सा नया अपडेट आने वाला है। दोस्तों आपको बता दूँ, आपने देखा होगा कि भारतीय रेलवे तेजस ट्रेन को चला चुकी है, यानी कि तेजस एक्सप्रेस अब लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पटरियों पर दौड़ रही है। तो तेजस एक्सप्रेस में सफर के दौरान अगर आपके घर में चोरी होती है तो आपको 1,00,000 रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। IRCTC के PRO सिद्धार्थ सिंह ने बताया है कि भारतीय रेल की नई तेजस एक्सप्रेस ट्रेन पिछली ट्रेन से खास होगी, क्योंकि इसमें सुविधाओं को पहले से बेहतर किया गया है। गाड़ी में स्पेशल इंश्योरेंस भी मिलता है। यात्री इसे रेल सफर के दौरान घर पर चोरी हो जाने की स्थिति में क्लेम कर सकते हैं। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के सफल संचालन के बाद अब IRCTC अहमदाबाद और मुंबई के बीच दूसरी प्रीमियम तेजस ट्रेन चलाएगी। नए जमाने की सुविधाओं से लैस दूसरी तेजस ट्रेन 17 जनवरी 2020 से शुरू होगी। इस ट्रेन में कई खास सुविधाएं मिलती हैं आपको, इसी में से एक है इंश्योरेंस को लेकर के। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर आपके घर पर चोरी हो गई है तो IRCTC आपको 1,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस देगा। ट्रेन में सफर के दौरान अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो IRCTC इसका खुद मुआवजा देगा। खास बात यह है कि घर में सामान के इंश्योरेंस के लिए आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो वहां पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री में होगा। और अगर बिल्कुल फ्री में अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको 1,00,000 रुपए मिल जाएगा। वो कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। दोस्तों IRCTC की PRO सिद्धार्थ सिंह ने बताया है कि नई तेजस एक्सप्रेस पिछली ट्रेनों से खास है। गाड़ी में स्पेशल इंश्योरेंस भी मिलता है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। यात्री इसे रेल सफर के दौरान घर पर चोरी हो जाने की स्थिति में क्लेम करा सकते हैं। रेलवे इसमें 1,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम दे रहा है, जबकि ट्रेन लेट होने पर भी 100 से 200 रुपए के बीच यात्री क्लेम के रूप में हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन कर एक फॉर्म भरना होता है। आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, इसलिए अनजान व्यक्ति के चढ़ने उतरने की संभावना कम है। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात हैं। पूरी ट्रेन में CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप IRCTC से 1,00,000 रुपए अगर आपके घर में चोरी हो जाता है तो आप पा सकते हैं। ट्रेन में सफर के दौरान अगर घर पर चोरी होने पर IRCTC आपको 1,00,000 रुपए तक का बीमा देगी। ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। आपको इस बीमा कवर के लिए IRCTC को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इंश्योरेंस की ये सुविधा फिलहाल सिर्फ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रही तेजस ट्रेन में मिल रही है। बीमा के लिए IRCTC ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है। तेजस एक्सप्रेस में सफर के दौरान अगर आपके घर में चोरी होती है तो आपको FIR दर्ज करानी होगी। पुलिस जांच में यह बात साबित होती है कि घर में जब चोरी हुई उस समय आप ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो आपको बीमा राशि तुरंत मिलेगी, वो भी 1,00,000 रुपए। तो दोस्तों ये भारतीय रेलवे की तरफ से कहीं ना कहीं हमें कहना होगा कि भारतीय रेलवे में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, और अब आपको जहाँ पहले आपके घर में चोरी होती थी तो आपको कोई पूछता भी नहीं था, वहीं अब आपके घर में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको 1,00,000 रुपए मिलेगा, ऐसा भारतीय रेलवे ने खुद कहा है। लेकिन फिलहाल अभी ये सुविधा तेजस एक्सप्रेस में लागू की गई है, हो सकता है कि बहुत जल्द ये सभी ट्रेनों में लागू कर दी जाए। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही हमारी मेहनत को सफल करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।